महाजी शिंदे उभारलेल्या सिंधिया साम्राज्याची राजधानी म्हणून जशी या ग्वाल्हेरची ओळख आहे, तशीच इथली जी मिष्ठान्न आहेत, इथल्या ज्या मिठाई आहेत, इथली जी नमकीन आहे, ती देखील या ग्वाल्हेरची खाशी ओळख आहे। अशाच एका ग्वाल्हेरच्या मिठाईच्या दुकानावरती आम्ही आलेलो आहोत। या ठिकाणी जिलेबी असेल, पकोडे असतील किंवा समोसे असतील, खाण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते। या ग्वाल्हेर आणि आजूबाजूचा जो चंबळचा परिसर आहे तो अशा अनेक ओळखींनी युक्त आहे। चंबळचं खोरं कधी काळी डाकूंच्यासाठी ओळखलं जायचं, मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये या सगळ्या परिसरांनी मध्य प्रदेशच्या राजकारणामध्ये निर्णायक भूमिका निभावली आहे। कारण 2018 या सगळ्या परिसरामध्ये विधानसभेच्या ज्या 34 जागा आहेत त्यापैकी तब्बल 26 जागा काँग्रेसने जिंकल्या आणि कमलनाथ मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले। तब्बल 15 वर्षांनंतर मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता बदल झाला। मात्र 2020 ज्योतिरादित्य सिंध्यांच्या रूपाने काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाली, उठाव झाला आणि कमलनाथ यांचं सरकार पायउतार झालं, ज्यामध्ये या ग्वाल्हेर आणि चंबळनी मोठी महत्त्वाची भूमिका बजावली। कारण काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना मानणाऱ्या तब्बल 22 आमदारांनी राजीनामे दिले होते आणि त्यापैकी अनेक जण भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावरती पुन्हा निवडून आले आणि शिवराज सिंग चौहान पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनले। गेल्या काही वर्षांमधला राजकारणाचा हा सगळा पट सांगण्याचं कारण म्हणजे या सगळ्या राजकारणाला जी कलाटणी मिळाली ती या ग्वाल्हेरमधून इथल्या चंबळच्या खोऱ्यातून। यावेळी मात्र निवडणूक पुन्हा एकदा चुरशीची बनली आहे। भारतीय जनता पक्षाकडून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना इथल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये उतरवण्यात आलं आहे। या सगळ्या राजकारणाच्या कोलाहलामध्ये इथले लोक काय विचार करतायत हा मूड आपण थोडासा तपासण्याचा आपण प्रयत्न करूयात। आप जिलेबी खा रहे हैं, आप मुझे लगता है कचोरी खा रहे हैं। दिस इज नॉट जलेबी, दिस इज इमरती। अच्छा इमरती बोलते हैं, अच्छा इमरती बोलते हैं, ओके। हमारे महाराष्ट्र में इसको जलेबी बोलते हैं, कोई बात नहीं। ये जो अभी जो चुनाव हुए हैं तो आपने किन मुद्दों के ऊपर वोट किया है? किन मुद्दों पर वोट किया हुआ है? जैसे आप देख रहे हो कंजेस्टेड एरिया है, पार्किंग है, आपको दिख रहा है मैं नाश्ता कर रहा हूँ यहाँ पर, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगा रहा हूँ कंजेस्टेड, सारे आवाज आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है। देन उसके अलावा आप जाएंगे पॉल्यूशन बहुत है, एक बसिया का साफ सफाई भी नहीं है। उसके अलावा मान के चले आप फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक्स हैं उस पर GST भी लग गई है, वो सही है गलत है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। गलत है ना, गलत है ना, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल हैं, अपन शुरुआत करेंगे तो अभी से लेके शाम हो जाएगी। अरे नहीं, अभी से लेके शाम हो जाएगी, वो तो है। बहुत सारी समस्या है आजू बाजू में दिख रही है, तो ये समस्या एक दिन में तो या फिर एक साल में तो नहीं तैयार हुई है, बहुत सारे दिनों में ये समस्या तैयार हुई है। बिल्कुल तैयार हुई है ना। अब किसी के बारे में कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जो काम हो रहा है, जो हुआ वो छोड़ दो, अभी अभी आगे का बात करेंगे हम। एंड में जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है। जैसे BJP, आई वोट फॉर BJP। अच्छा, आपने BJP को वोट किया? आई लाइक फॉर BJP। ओके, तो ये जो सारी समस्याएं हैं, 100 की एक बात जो है BJP अच्छा करेगी, मच बेटर करेगी। तो ये जो सारी समस्याएं वो BJP हल करेगी, वही शॉर्ट आउट कर सकते हो, उसके अलावा कौन है बताएं आप? इतने सालों से राज्य किया कांग्रेस ने, किया ना, क्या मिला बताओ मेरे को? कोई टेक्निक आई? नई टेक्निक नहीं आई। फोन पे UPI वगैरह अपन यूज कर रहे हैं, पहले हुआ था? नहीं हुआ। आपने क्या किया? खाना खा रहे हैं। अच्छा, वो ये भैया आप बोलिए, आपने किन मुद्दों के ऊपर वोट किया? मैंने किया है एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि काफ़ी ग्वालियर डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में, बट ग्वालियर चंबल संभाग की जो स्थिति है वो और ज़्यादा सुधर सकती है। क्योंकि अगर भूगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ग्वालियर एक जगह है जो सारी बड़ी सिटीज से पास है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बट यहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, तो डेवलपमेंट चाहिए, नहीं है, चाहिए। हाँ, तो ये कौन ला सकता है? ये BJP ही ला सकता है। अच्छा, ये BJP ला सकती है। यस, तो पिछले 15 से BJP यहाँ पे राज कर रही, 15 नहीं लगभग 20 साल हो गए। तो ये जो सारी अपेक्षाएं हैं
तो ये 20 सालों में नहीं पूरी हुई आपकी? 20 सालों में डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा। हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत स्पीड से हुआ है। अच्छा। जैसे अगर आप इंदौर से ग्वालियर को कंपेयर करोगे तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत हुआ है, यहाँ कम हुआ है। पर महाराज साहब के आने के बाद लोगों की अपेक्षाएं हैं कि डेवलपमेंट और बढ़ेगा, जैसे कि ग्वालियर एयरपोर्ट का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधियांचं हे होमग्राउंड आहे खरंतर, ग्वाल्हेरचा जो लोकसभा मतदारसंघ आहे तिथून जवळ असलेला गुणा लोकसभा मतदारसंघ जिथून ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्षानुवर्ष निवडून यायचे, त्याआधी त्यांचे वडील माधवराव सिंधिया निवडून यायचे, मात्र 2019 ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचा तिथून लोकसभेला पराभव झाला काँग्रेसकडून आणि त्यानंतर त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला। आप इसको इमरती बोलते हैं ना? इमरती बोलते हैं। जलेबी नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं। जलेबी नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं। आपने इस चुनाव में क्या सोच के वोट किया है? बदलाव और बदलाव हो भी रहा है ना। अच्छा। क्योंकि लोग बात क्या है, भाजपा सरकार से बड़ी परेशान है। अच्छा। इतने घोटाले किए हैं भाजपा सरकार ने कि जिससे लोग परेशान हो गए, छात्र परेशान हो गए, जनता परेशान हो गई, महंगाई से लोग परेशान हो गए। अच्छा। बदलाव चाहती है। अच्छा, बदलाव चाहते और हो भी रहा है। ये जो भाई है वो तो कह रहे हैं कि विकास के लिए बीजेपी चाहिए, उनकी मानना है ये, उनकी विचारधारा है, मेरी विचारधारा है, बदलाव होगा तभी विकास होगा। यदि आप जैसे शर्ट पहने हैं ना, ये शर्ट को बदलोगे नहीं तो बदबू मारने लगेगी ना। 18 साल में भाजपा सरकार थी, नहीं बदलेगी तो ये क्या स्वाभाविक बात है, इनकी तानाशाही फैलती जा रही है ना। बदलाव बहुत ज़रूरी है, जब तक बदलाव नहीं होगा विकास नहीं होगा। किसी ने कहा भी है कि विकास की दूसरी परिभाषा क्या है, चेंजेज। ओके। चेंज होना चाहिए। शोभा बराबर है। आप तब तक इमरती खाइए, मैं अगला सवाल इनसे पूछता हूँ। ये कह रहे कि बदलाव जरूरी है। अंकल जी के दृष्टिकोण से बदलाव जरूरी है, पर जो मैंने पिछले चुनाव में देखा उसके बाद जो 1-1.5 साल निकला वो इतना अच्छा नहीं निकला। चाची जी से पूछते, चाची जी बात करेंगे थोड़ा? नहीं। ओके। जो 1-1.5 साल निकला वो इतना अच्छा नहीं निकला, पर अभी के चुनाव में मैं देख रहा हूँ, जितना मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लाडली बहना योजना शिवराज सिंह जी की थी उसका बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है चुनाव में। आप बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस चुनाव में आपने क्या सोच के वोट दिया है? ये सोच के दिया, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। Okay. गरीबों के लिए, लाडली बहनों के लिए, कन्याओं के लिए, हर मतलब ये कहें मतलब बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसानों के लिए, बाकी किसी सरकार ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा। सबको देख के चल रही है। ये कुछ छात्र लग रहे, आपने वोट किया तो क्या सोच के वोट किया? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? नहीं अपने क्या है, इस बार जो बीजेपी है ना, बीजेपी अपना थोड़ा कंटिन्यूस नहीं चल रहा बीजेपी का काम। अच्छा। तो अब क्या नया नया डेवलपमेंट होगा, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आप देखोगे कि हर साल बार सरकार अलग अलग आती है, पर इसलिए इंडिया का रहता है। अच्छा। क्योंकि अगर इस बार एक ही बीजेपी आती है तो बीजेपी का जो कंटिन्यूस चल रहा है ना उसके चक्कर में डेवलपमेंट गड़बड़ रहा, मतलब गड़बड़ हो रहा है। ओके। अभी अब नया सरकार। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो तो एक का बघा इथे गर्दी किती आहे बघा। मध्य प्रदेश मध्ये, सगळ्या मध्य प्रदेश मध्ये मिठाई खाण्याचं, नमकीन खाण्याचं प्रमाण प्रचंड आहे, प्रचंड आहे। आपने वोट किया इस बार? हाँ। किया? तो क्या सोच के किया? पता नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो सोचा होगा ना इसको वोट देना। पहला वोट था एक्चुअली। हाँ, हाँ। और मैंने सोचा कि मेरा हक है वोट करने का तो मुझे देना चाहिए वोट, तो इलेक्शंस होते हैं तो इस वजह से वोट तो देना चाहिए। लेकिन किसको दिया फिर? मैंने बीजेपी को दिया, बीजेपी बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, वो ज्यादा बेस्ट है। चाची आपने वोट तो किया होगा? बिल्कुल किया। तो क्या सोच के किया? बस भाई अपना कितना अच्छा कर रहा, रोड वोट देखो, किसानों को देखो कितना अच्छा किया है। अच्छा। बिल्कुल, मैंने वोट दिया भी था भाजपा। अच्छा, भाजपा को दिया। ओके। कांग्रेस की सरकार बन रही है ना? कांग्रेस की सरकार बन रही है ना? सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है, 100% बन रही है। अच्छा, आप बात करेंगे? अरे वोट तो किया होगा आपने। क्या वोट तो किया होगा? वोट किया है कांग्रेस को। कांग्रेस को किया है? कांग्रेस को। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम? क्या है? मेरा नाम विपिन शर्मा। विपिन शर्मा है। आपका? नील कमल मुदगले है। नील कमल? हाँ, मुदगले है। मुदगले? हाँ। और 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है। कुछ लोग नहीं, केवल ईवीएम मशीन में घोटाला कर देना तो बात अलग है, नहीं 100% बन रही है। तो
एक सेकंड, थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा हूँ। आपने वोट किया है इस बार? आपने किया है वोट? किया है तो क्या सोच के किया है? या आपके समोसे ठंडे ना हो जाए कहीं, इसलिए बिल्कुल छोटा सा जवाब दे दीजिए। क्या सोच के किया है, किसको किया है? किया ये सोच के कि कुछ अच्छा, मतलब बदलाव हो, चेंजेस हो, इसीलिए। हाँ, चेंज हो, बदलाव चाहिए मध्य प्रदेश में, आपको बदलाव चाहिए। तो अभी तो सरकार बीजेपी की है, तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए। कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। आप जवान हैं, आप पढ़ती हैं, स्टूडेंट हैं आप, क्या आपकी समस्या है, क्या लगता है कि आपको क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? मिलनी चाहिए अच्छी स्टूडेंट्स को। अच्छा। हाँ, करियर गाइडेंस मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। हाँ, सभी के लिए एक अच्छी योजना होना चाहिए। हाँ, जैसे कि जनरल वाले हैं जो लोग, उनको भी मिलना चाहिए। जैसे कि मैं तो एससी में हूँ, लेकिन जो जनरल वाले हैं उनके लिए भी तो कोई योजना होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों ने आपकी तरह ही कांग्रेस को वोट किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को उन्होंने वोट किया है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में और क्या होना चाहिए? इतना तो नहीं बता पाऊंगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा कंफ्यूज। अच्छा, आप फर्स्ट टाइमर है, ओके। अच्छा, थैंक यू। तर एका बाजूला लोकांची ही गर्दी, म्हणजे खरंतर मलाही मोह आवरता येत नाही आहे इथे, जे आम्ही मगासपासून आहोत आणि या ठिकाणी जी काही मिठाई तयार होती आहे ना, ती गार होतच नाही आहे, गरमागरम लोकांच्या पोटामध्ये जाते, इतकी प्रचंड गर्दी आहे ग्वाल्हेरच्या या छोटेलाल कचोडीवाले या दुकानामध्ये। नाव पण बघा, पाटणकर चौराहा। मध्य प्रदेशमध्ये खूप सगळे मराठी जण आहेत, इंदोर असेल, भोपाळ असेल किंवा हे ग्वाल्हेर असेल, सिंधियांची राजधानी आहे, शिंदे घराण्यासोबत, महाजी शिंदेंसोबत, त्यांच्या पुढच्या वारसदारांसोबत अनेक मराठी जण या मध्य प्रदेशमध्ये स्थिरावले, इथलेच झाले आणि बऱ्यापैकी आपलं मराठी पण देखील त्यांनी जपण्याचा प्रयत्न केला। आपण इथल्या ग्राहकांशी बोललो, जे मिठाईवाले आहेत, आपकी दुकान में तो बहुत सारी, बहुत बड़ी भीड़ है, और भीड़ इसी वजह से कि आप बहुत अच्छा यहाँ पे ये सब जो व्यंजन है वो देते हैं उनको। अभी थोड़ा सा मैं आपको राजनीति के बारे में पूछता हूँ, आपने क्या सोच के वोट किया इस बार? अरे अभी कोई किसी के कह नहीं कह सकते कौन कौन किसकी सरकार बनेगी। अभी तो जैसे ही आपने अपनी आदमी जो आ रहे मन में पक रहा है, जो नतीजे आएंगे उसके सामने आएंगे। जो आपने क्या सोच के वोट? हमने तो वोट दिए ही नहीं है किसी को, नहीं दिया हमने, सबके भले हैं। हाँ, इसलिए हमने वोट ही नहीं दिया। व्यापारी हा असा असतो की जो कधीच त्याचे पत्ते खोलत नाही, त्याला त्याचा व्यापार सर्वात आधी प्रिय असतो। आपने वोट किया? क्या सोच के वोट किया? बीजेपी को वोट किया। क्या सोच के किया? चाचा, आपने वोट किया? हाँ, करा ना। अच्छा, तो क्या सोच के किया? हमने ये सोच के वोट किया है कि राष्ट्र हित में वोट होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोगों ने कहा कि इनको टिकट गलत दे दिया, उनको टिकट गलत दे दिया, और हम लोकल स्तर पर ये सोचकर कई बार निर्णय राष्ट्र हित के फेवर में रहता नहीं है, तो मेरा वोट तो देश हित में गया। अच्छा, देश हित में यानी किसको गया? नहीं, ये देश हित में और देश विरोध में ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो पॉलिसी जो हमारे देश के हित में और दूसरा देश के विरोध, कानून और जो संविधान अभी बनाए जा रहे हैं देश के लिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत बड़ा निर्णय किया गया 370 वाला है ना, चलो यानी बीजेपी को दिया है। आप साफ तरीके से बोल नहीं रहे थे, ठीक है, थैंक यू, ओके। आपने वोट किया है? नहीं किया है। अच्छा, लेकिन आप ये चुनाव तो देखे होंगे, खूबच तरुण मुल है, तो क्या लगता है आपको? कौन जीतेगा? हां, वो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी। मुझे तो कांग्रेस लग रही है। आप दोनों दोस्त हैं? हां। फिर इतना अंतर क्यों है, एक बीजेपी एक कांग्रेस? बीजेपी जीतेगी, अपने अपने ख्याल है। वोटिंग ज्यादा है ना? अच्छा, देखने से लग रहा है, क्योंकि हमारी गली में तो प्रवीण पाठक जी है। अच्छा, हां, ऑल ओवर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही लग रही है इस बार तो। बीजेपी लग रही है, कुछ काम अच्छा कर रही है। हमारे उधर एरिया में तो कांग्रेस ने करवाया है। तर मध्य प्रदेशमध्ये टक्कर जी आहे ती अगदी ज्याला काट्याची टक्कर म्हणतो ती आहे। आपण इथल्या या मिठाईच्या दुकानासमोर ज्या ज्या लोकांशी बोललो त्या लोकांकडून आपल्याला हेच जाणवलं की लोक विभागले गेलेले आहेत। एक अशी मोठी कोणती लाट किंवा इथल्या भाषेमध्ये लहर या ठिकाणी नाही आहे, लोक विभागले गेलेत आणि
स्वतः विचार करून लोकांनी यावेळी मतदान केलंय. कॅमेरामन विजय राऊत समंदार गोंजारी, एबीपी माझा, ग्वाल्हेर. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.